अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अलहमदिल्ला ठीक ठाक फिट फाट। आज मैंने कहा कि ना मौसम अच्छा है तो बाहर से वेलकम किया जाए ब्लॉग में। तो बस आज का दिन शुरू करते हैं, मैंने नमाज़ पढ़ लिया, कुरान पढ़ते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस फ्राइडे के टाइम मिलते हैं। कुरान शरीफ पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं किचन में अफ्तारी बनाने के लिए। मैं एक एडजस्टमेंट करती हूँ पहले में, कि कल जो है काफ़ी डिस्टर्ब रही है मामलात ये वाली, तो अभी सेट करके फिर मैं स्टार्ट करते हैं। और आज को इतना ख़ास नहीं करना क्योंकि आज सेकेंड डे है, तो मतलब नॉर्मल ही जो बेसिक अफ्तारी होती है सबके घर में वही बनेगी। मैं जो है ये बना लिया है पेस्ट पकौड़ों का, जब बनाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। अच्छा, ये हमने रीडेकोरेट किया लेफ्ट ओवर हमारा जो चार के आ गया था, ठीक है, कल वाले। अच्छा यार, बर्तन वगैरह रखते हैं, मैं खजूरें वगैरह निकालती हूँ, और बस मैं डेकोरेट चीज़ें रखती हूँ टेबल में, और फिर फाइनल लुक टेबल की भी दिखाऊंगी। तो मम्मा बना रही हैं आज पालक वाले पकौड़े, और प्याज मम्मा ने भी इसमें डालना है, और ये आलू वाले मम्मा अलग बना रही है, बराते जो है डाल दिए। चलो जी, ये पापा लेकर आए जलेबियाँ, ये देखो जरा मैं प्लेट में डाल रही हूँ जलेबी, मैंने प्लेट किया, मैं बाहर रखती हूँ उनको। चलो जी, वसीम के नाम का शो लगा हुआ फोकस। अब आपने सारा टेबल सेट कर दिया जी, आपने बनाया चार्ज मेरे भी आपको दिखाया है, वो मेरी बड़ी बहन ने बनाया है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करें। ओके, नहीं बल्कि हमने बनाया, हमने रुआफी की बातें मैं इस बार ब्लॉग में डालूंगी और एक एक डालूंगी ताकि रुआफी वायरल हो जाए बगैर शक्ल के। ये पकौड़े बनाए हैं, आज मौसम है बारिश वाला, मम्मा आज ज्यादा पकौड़े बना रही हैं, और ये मम्मा ने बनाए हैं पालक आलू और आलू। अब जाके डब्बे में रख के रहते हैं इसको। हाँ ले आ ले, मैं कर लेती पापा ये साइड पे रिमोट। यार बस अभी हमने चीज़ें जल्दी बना ली क्योंकि कल हम लोग लेट हो गए थे, तो बस अब बैठते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल करे, आप लोगों की दुआओं को कबूल करे। इस टाइम जो अभी दुआ मांगता है, सुना है कबूल होती है, तो दुआ मांगे अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो फिर रोज़ा खोलने के बाद मिलते हैं आपको। A few moments later, अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ऐसे ही सबके दस्तरखानों में बरकत डाली रखे। और बारिश तेज़ हो गया है, आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। फिर से अच्छे से व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।